मैथमेटिक्स लैंग्वेज में जैसे अंग्रेजी और हिंदी भाषा है ना, वैसे ही मैथमेटिक्स भी एक भाषा है। इस लैंग्वेज का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड अ सेट। मैथमेटिक्स में कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स है जिनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, तो उनका कलेक्शन 1, 2, 3 डॉट 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 इस प्रकार हम एक्सप्रेस करते हैं उस सेट को, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका कोई एक नाम भी दे देते हैं, से कैपिटल N, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सिटिंग इन द फर्स्ट रो, उस सेट का भी कोई नाम दे देते हैं सेट कैपिटल A। फिर से बोल रहे हैं, सुन लीजिए, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जस्ट लाइक इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। इस लैंग्वेज का बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट बोलते हैं। ये यहाँ लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसको हम इस प्रकार लिखेंगे दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 1, 2, 3, यानी जिनको भी हम नेचुरल नंबर्स के नाम से डिफाइन किए हैं उनको यहाँ लिखेंगे कॉमा डाल करके, और इसका कोई एक नाम दे देंगे, से कैपिटल N इक्वल टू, और कलेक्शन को हम या सेट को इस प्रकार दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में रिप्रेजेंट करें, एक दूसरा सेट डिफाइन कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन द फर्स्ट रो, अर्थात अगर फर्स्ट रो में 10 स्टूडेंट बैठे हैं तो उस उन 10 स्टूडेंट का नाम S1, S2, S10 इस सेट को हम सेट A नाम से संबोधित कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, सेट B, हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं, हर बार हम उस कलेक्शन को शब्दों में पहले डिफाइन करेंगे, कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब ये सेट अनडिफाइंड है, ये यानी हम मैथमेटिक्स में इस कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? यहां लिखे हैं कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा चॉइस ऑफ 3 बेस्ट क्रिकेटर्स कोई और हो सकता है, आपका चॉइस कोई और हो सकता है, हम में भी स्मिथ, कोहली और जॉस बटलर 3 बैट्समैन का नाम लें कि मेरे ओपिनियन में दीज आर दी 3 बेस्ट क्रिकेटर्स, और इनके ओपिनियन में कोई और होगा, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग इसको सेट नहीं कहेंगे। बड़ा साफ लिखा है, कोई भी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मैथमेटिक्स में सेट कहेंगे। एक कोई भी एक कलेक्शन सेट को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम एक सेट E डिफाइन कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 और 6। इस बात को हम कैसे लिखेंगे? हम शब्दों में लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 और 6 शब्दों में हम डिफाइन किए हैं। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हम और आप सब कोई समझ जाएंगे कि इस सेट में
कौन कौन ऑब्जेक्ट्स है, आप उस सेट को कहें कि उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को लिखिए, अगर आप समझ गए हैं कि हम क्या लिखे हैं, 2 से 6 के बीच में सारा नेचुरल नंबर्स यहाँ लिखना है, 3, 4, 5, तो 3 ही ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं। अगर हम किसी सेट को शब्दों में लिख करके डिफाइन कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और किसी भी सेट को के सारे ऑब्जेक्ट्स को अगर हम लिख दें तो हम लोग इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। यानी जिस सेट को हम ई नाम से संबोधित कर रहे हैं उस सेट को हम 2 तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। एक तरीका को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरीका से जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक्चुअली में उसके ऑब्जेक्ट्स को लिखे नहीं हैं, पर हम इस प्रकार डिफाइन कर दिए हैं उस सेट को कि आप उससे सेट को बना लीजिएगा, बिल्ड कर लीजिएगा। इसीलिए इस रूप में जब लिखते हैं किसी सेट को तो हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, और जब एक्चुअली में उसके ऑब्जेक्ट्स को लिख लेते हैं तो अब हम कहते हैं कि सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। हम एक सेट ए डिफाइन कर रहे हैं, पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करेंगे, यानी शब्दों में हम डेफिनेशन देंगे, आप उससे सेट को बिल्ड कर लीजिएगा और उसी सेट को रोस्टर फॉर्म में हमको लिख के बताइएगा, यानी उसके ऑब्जेक्ट्स को एक्चुअली में लिखिएगा। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, इस सेट के अंदर में जो ऑब्जेक्ट्स होता है उसको हम लोग एक और नाम से संबोधित करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। जैसे हम अभी जो सेट मिटा दिए जिसमें कि हम 3, 4 और 5 लिखे थे, तो इन तीनों को कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस सेट। अभी हम एक सेट डिफाइन करने जा रहे हैं, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अंग्रेजी का जो अल्फाबेट्स है उसमें 26 अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, उनमें से हम कुछ अल्फाबेट्स को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं और कुछ अल्फाबेट्स को वॉवल्स बोलते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 अल्फाबेट्स को वॉवल्स बोला जाता है और बाकी सबको, इन 5 के अलावा जो 21 अल्फाबेट और बचा उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो हम एक सेट ए डिफाइन किए हैं शब्दों में, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, और यहाँ पे उसी सेट को हम एक्चुअली में उसके एलिमेंट्स को लिखे हैं। इस रूप में जब लिखते हैं सेट को तो हम लोग उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं। और इस रूप में जब सेट को डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कहते हैं कि सेट लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। और एक्चुअली में जब उसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं तो कहते हैं कि सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट बी है, अभी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, ऐसे लिखते हैं। हर सेट में कुछ एलिमेंट्स होता है सेट का, तो हम एक सिंबल से उस सेट के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस सेट का जो एलिमेंट्स है उसका नाम अगर एक्स नाम से संबोधित करें, यहाँ पे ऐसा सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको इंग्लिश में कोलन बोलते हैं, इस पंक्चुएशन मार्क को, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कोलन, कोलन, तो ये सिंबल है, कोलन बोलते हैं इसमें।
लेकिन अभी हम इस सिंबल को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे जब पुनः लिखेंगे तो उसका मतलब है सच दैट लिखा हुआ है। जैसे हम ऐसा सिंबल जब लिखते हैं दो रियल नंबर के बीच में, तो इसको पढ़ते हैं 2 + 3। उसी तरह से हम अभी यहाँ पे लिखे हैं एक्स और यहाँ पे लिखे हैं कोलन। यहाँ एक्स इस सेट के किसी भी एक एलिमेंट को एक्स नाम से संबोधित कर रहे हैं। इस सेट में अनेक एलिमेंट्स हैं, पर उसके किसी भी एक एलिमेंट को अगर हम एक्स नाम से संबोधित करें तो एक्स के बारे में हम आपको डेफिनेशन दे रहे हैं। एक्स इज एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू दिस सेट सच दैट। मैथमेटिक्स में ना बड़ा बड़ा लंबा लंबा वाक्य सिंबल्स के फॉर्म में लिखा जाता है छोटा छोटा करके। जैसे यहाँ लिखे हैं सिर्फ एक सिंबल, अंग्रेजी का एक अल्फाबेट एक्स, और यहाँ एक सिंबल अंग्रेजी का एक पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं कोलन। पर यहाँ हम मीन कर रहे हैं कि लिखा हुआ है एक्स से इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, देन एक्स इज सच दैट, यानी एक्स ऐसा है। अब कैसा है यहाँ हम बताने जा रहे हैं। एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स के बारे में हम एक बात बोले कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, कॉमा अभी और बात बताने जा रहे हैं। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बट लेस देन 11। हम सेट, एक सेट है बी, उस सेट बी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में अभी रिप्रेजेंट किए हैं। अब हम चाहते हैं कि आप उसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ये पता चल जाएगा कि आप इस भाषा को समझे हैं कि नहीं। तो हम यहाँ जिस सेट का बात कर रहे हैं, जिस कलेक्शन का बात कर रहे हैं, क्या आप वो सारा एलिमेंट्स समझ चुके हैं कि नहीं, देखते हैं। एक्स इज एन एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट बी एंड इट इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लाइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बट लेस देन 11। 5 या 5 से बड़ा परंतु 11 से छोटा। तो सेट बी का सारा एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 से छोटा लेकिन 5 या 5 से बड़ा सारा नेचुरल नंबर। तो यही हमारा भाषा होगा। हमको जब भी कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट देना होगा तो हम इसी प्रकार स्टेटमेंट देंगे, इस उम्मीद में कि आप समझ गए हैं कि उस सेट में कौन कौन एलिमेंट्स हैं। और एग्जांपल ले लें, अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी भी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करें। एक और एग्जांपल ले लें, कुछ सेट सी, सेट सी का एलिमेंट्स के बारे में हम बखान करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू डिफाइन द सेट सी। उसका जो एलिमेंट्स है वो पेयर ऑफ नंबर्स है रिटन इन ऑर्डिनरी ब्रैकेट्स सच दैट एक्स एंड वाई आर बोथ नेचुरल नंबर्स, बोथ आर नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 3। दिस इज सेट सी। सेट सी के एलिमेंट्स में हम कहे कि सेट सी में जोड़ा जोड़ा में नंबर्स लिखा है। जोड़ा जोड़ा में जो नंबर्स लिखा गया है, पहला नंबर को हम एक्स कह रहे हैं और दूसरा नंबर को वाई, ये एक एलिमेंट हुआ सेट सी का। ऐसा ऐसा अनेक एलिमेंट्स हैं। आपको जोड़ा बनाना है, पहला संख्या
एक नेचुरल नंबर लेना है एक से तीन के बीच में, यानी एक्स के स्थान पे आप एक लिख सकते हैं या दो या तीन। सिमिलरली वाई के स्थान पे भी आप एक दो तीन में से कोई लिख सकते हैं। अगर हम एक्स के बारे में कहते कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन वन एंड थ्री इंक्लूडिंग वन एंड थ्री, एंड वाई इज अ नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन वन एंड टू, तो वाई के स्थान पे आप सिर्फ एक या दो लिख सकते हैं। तो हम अभी सेट सी को आपके सामने डिफाइन कर दिए हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप उसको देखिए कि यही हमारा भाषा होगा, हम आपको ऐसे ही लिख के देंगे कि देयर इज अ सेट सी। आपको समझ जाना होगा कि कौन कौन एलिमेंट्स उस सेट में है। 1, 1, 2, 1, 3, 1, हम y का स्थान पे फिक्स कर दिए एक नेचुरल नंबर 1, और x के स्थान पे जितना विकल्प संभव था वो हम सब लिख डाले। अब फिर हम y के स्थान पे जो दूसरा विकल्प अलाउड है वो लिख दिए, और x के स्थान पे बारी बारी से 2, 2 एंड 3, 2। यही जोड़ा बन सकता है। x के स्थान पे आपके पास तीन विकल्प था, इस स्थान पे नंबर लिखने का तीन विकल्प था, एक दो या तीन, और इस स्थान पे को भरने का आपके पास दो विकल्प था, एक या दो। तो कुल मिला के 3 times 2 यानी 6 एलिमेंट्स बनाना संभव था, 6 जोड़ा बनाना संभव था। इसी सेट को अब आप लिख दिए रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, डी बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर बोथ नेचुरल नंबर्स। अब ये भी बार बार लिखने का हमको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग एक सिंबल ऐसा है जो ग्रीक अल्फाबेट है, इसको वहाँ का लोग एप्साइलन बोलता है। ये अंग्रेजी अल्फाबेट ई का एक काउंटर पार्ट है, ग्रीक अल्फाबेट है एप्सिलॉन। हम लोग को अगर कोई एक सेट में 5 एलिमेंट लिखा हुआ है, तो अगर हमको ये लिखना है कि स्मॉल ए इज एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू दिस सेट, तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे और पढ़ेंगे स्मॉल ए एप्साइलॉन कैपिटल ए। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंबल एप्साइलॉन एप्साइलॉन को इस्तेमाल किए हैं फॉर द वर्ड बिलोंग्स टू के लिए, ये सिंबल का इस्तेमाल किए हैं। मैथमेटिक्स भरा हुआ है सिंबल से। जैसे हम ऐसे लिखते हैं 2 हॉरिजॉन्टल डंडा, लेकिन इसको पढ़ते हैं इक्वल टू। उसी प्रकार इस सिंबल का मत को पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। तो हम जब कभी ऐसे लिखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। स्मॉल ए इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल ए। अगर कोई एक एलिमेंट है सी जो इस सेट को बिलोंग नहीं करता है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे द सी अल्फाबेट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ऐसे बोलेंगे। एक एलिमेंट है मकान, वो इस तरह का कोई भी चीज़ लिखा हुआ इस सेट में नहीं दिख रहा है, तो दिस डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। एक जोड़ा नंबर लिख रहे हैं 2, -3, ऐसा कोई एलिमेंट इस सेट में अगर हम लिख दिए होते 2, -3, हम एक कलेक्शन में सेट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, आम अमरूद इमली हाथी घोड़ा झूला पालकी मकान अल्फाबेट नंबर जोड़ा नंबर मैथमेटिकल स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं आपका नाम। तो अगर हम इस सेट में इस तरह का एलिमेंट लिखे होते तो हम कहते कि सच एन एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट
ए। तो अब हम जब हमको ये कहना है कि x एंड y दीज आर टू नेचुरल नंबर्स, तो हम इस भाषा का प्रयोग करेंगे। हम कैपिटल N पहले से डिसाइड कर लेंगे कि कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N सिंबल्स। तब हम जब भी ऐसा लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट D, जोड़ा जोड़ा नंबर है इस सेट में, सच दैट जो पहला नंबर का नाम X रखे हैं, दूसरे नंबर का नाम Y, दोनों नेचुरल नंबर हैं, दोनों का वैल्यूज एक से लेके तीन के बीच में है और y माइनस x का वैल्यू वन है। इतना सारा बात हम लिख दिए, एक ही लाइन में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट अंत में। अब बताइए सेट D के सभी एलिमेंट्स को लिख डालिए, यानी रोस्टर फॉर्म में आप उसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कीजिए। तो पहले तो हमको यही देखना है कि आप इस भाषा को समझ गए हैं कि नहीं। यहाँ लिखा है कि आपको जोड़ा जोड़ा में नंबर लिखना है, पहला नंबर एक दो तीन में से कोई एक, दूसरा नंबर भी एक दो तीन में से कोई एक, लेकिन दूसरा नंबर जब भी आप चुनेंगे तो वो इक्वल टू होना चाहिए। इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम इस प्रकार लिख रहे हैं, दोनों तरफ हम x ऐड कर दिए तो इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख दिए। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि x के स्थान पे अगर आप 1 लिखते हैं तो y के स्थान पे जो संख्या लिखेंगे वो x से बड़ा होना चाहिए बाई 1 यूनिट। अब देखते हैं, हम x के स्थान पे 1 लिख दिया तो y के स्थान पे अब हम बाध्य हैं 2 ही लिखना होगा। अगर हम x के स्थान पे 2 लिख दिए तो y के स्थान पे हमको 3 ही लिखना होगा, और अगर हम x के स्थान पे 3 लिख दिए अब नहीं लिख सकते हैं क्योंकि तब y के स्थान पे 4 लिखना होगा, जबकि y का वैल्यू अलाउड ही नहीं है 4 होगा। यानी इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हुआ अगर आप जोड़ा जोड़ा में नंबर्स ढूंढें तो सिर्फ यही दो जोड़ा मिलेगा, 1,2 एंड 2,3। किसी को शक? चलिए, हम लोग सीख गए हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट माने कलेक्शन। कर्ली ब्रैकेट में उनको एलिमेंट्स बोलते हैं ऑफ द सेट। एक सिंबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई सेट में कुछ एलिमेंट्स हम लिख रहे हैं ए क 2,3 माइनस 1 कॉमा देते जाना होगा 5,4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। इस सेट में हम पूछें कि कितना एलिमेंट्स हैं, संख्या बताइए, तो इस बात को हम ऐसे पूछेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए का वैल्यू बताइए। यानी हम चूंकि पूरा मैथमेटिक्स भरा हुआ है सिंबल्स से, तो हमको यही सिखाना है आपको कि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो आपको समझ जाना है कि हम क्या जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए जानना चाहते हैं। तो गिनती कीजिए, एक दो, ये एक एलिमेंट है, 3, 4, 5 ये कॉमा एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करता है। तो आप इस सेट के बारे में कहेंगे कि देर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस सेट। हम दो सेट यहाँ पे लिखते हैं सेट ए, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, 3 एलिमेंट लिखे हैं सेट ए में। इन 3 एलिमेंट के ऑर्डर को अगर हम बदल दें, यानी हम पहले बी लिख दें तब ए तब 5/4, इस कलेक्शन का नाम बी रख दें, तो सेट ए और सेट बी
दोनों को बराबर कहेंगे। यानी पहले से हम डिसाइड कर ले रहे हैं कि दो सेट के बीच में ये वाला सिंबल जब डालेंगे, ए इक्वल बी कब बोलेंगे, तभी बोलेंगे जब सेट ए में जितना भी एलिमेंट्स लिखा है सेट बी में भी अगर वही सब एलिमेंट्स पाया जाए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, यानी कि किसको पहले लिखते हैं और किसको बाद में, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ए इक्वल टू बी सेट कब कहेंगे, इफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। दो सेट के हम लोग अब सीखने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। दो रियल नंबर टू और थ्री, कोई भी दो रियल नंबर 2 और 3.7 के बीच में अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर लिखते हैं, 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो हम लोग दो रियल नंबर के बीच में डिफाइन किए हैं। एक को प्लस बोलते हैं, एक को माइनस, एक को मल्टीप्लिकेशन और एक को डिवीजन। क्या डिफिनेशन दिए हैं वो याद दिलाते हैं आप। हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, तो ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। जब बाई मतलब दो, तो जब दो के बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर को भी डिफाइन किया जाए, जो कि हम लोग अभी करने जा रहे हैं, दो सेट के बीच में हम ऐसा सिंबल लिखेंगे। यहाँ पे इस तरह का कोई सिंबल डिफाइन नहीं किया गया है। बिटवीन टू सेट्स इस तरह का कोई सिंबल डिफाइन नहीं किया गया है। दो सेट के बीच में 4 बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन किया गया है। एक इस तरह का सिंबल है और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। जैसे यहां पढ़ते 2+3, एक और बाइनरी ऑपरेटर है इस प्रकार का, उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। डिफाइन करेंगे ये ऑपरेटर को, डिफाइन करेंगे। जब तक हम प्लस डिफाइन नहीं करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि 2+3 मतलब हम क्या मीन कर रहे हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन। 2 मतलब ओरिजिन से अगर आप 2 यूनिट्स ट्रेवल करें टूवर्ड्स, इसको हम लोग इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द रियल नंबर लाइन बोलते हैं इस दिशा में, और इस दिशा को डिक्रीजिंग डायरेक्शन बोलते हैं। तो 2 लिखा हो तो मतलब 2 यूनिट्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आप मूव करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर -2 लिखा होता तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट्स ट्रेवल करते स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो 2+3 का मतलब है 2 यूनिट्स ट्रेवल करें टूवर्ड्स राइट इंक्रीजिंग डायरेक्शन, एंड वहां से फर्दर 3 यूनिट्स ट्रेवल करें। अब आप जहां पे भी पहुंच गए, 2+3 का मतलब वही रहेगा। जब ये डेफिनेशन हो गया प्लस का, अब हम 2+3 का मतलब दुनिया का हर मैथमेटिशियन इसका मतलब यही नंबर समझेगा। 2-3 का मतलब, 2-3 का मतलब है आई एम डिफाइनिंग माइनस। तो 2-3 का मतलब है 2+-3। यानी आप 2 यूनिट्स ट्रेवल किए टूवर्ड्स राइट एंड फिर 3 यूनिट्स ट्रेवल कीजिए इन द नेगेटिव डायरेक्शन, यहीं से। अब आप जहां पहुंच गए, 2-3 का मतलब वही रियल नंबर है। तो अब दुनिया का हर मैथमेटिशियन 2-3 का मतलब -1 समझेगा। चूंकि माइनस का डेफिनेशन क्लियर है, इसीलिए आप समझ रहे हैं कि 2-3 का मतलब -1 क्यों होता है। 2 × 3 का मतलब, 2 × 3 का डेफिनेशन, यानी हम आपके सामने डिफाइन करने जा रहे हैं कि
बाइनरी ऑपरेटर कॉल्ड प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन। तो इसका डेफिनेशन है 2 × 2 + 2 + 2 3 times या 3 + 3 2 times, यानी 2 × 3 और 3 × 2 एक ही रियल नंबर मिलता है। ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। 2 + 2 + 2 कीजिए 3 बार या 3 + 3 कीजिए 2 बार, सेम नंबर पे पहुंचेंगे। क्योंकि प्लस डिफाइन हो चुका है तो 2 + 2 + 2 6 पे पहुंचेंगे। तो इसीलिए दुनिया का हर मैथमेटिशियन 2 × 3 का मतलब 6 समझता है, क्योंकि इसी तरह से डिफाइन किया गया है प्रोडक्ट को। अब बचा डिवीजन, 2/17/5 का मतलब इस प्रकार लिखते हैं, या 17/5 ऐसे भी लिखते हैं। तो हम इसका मतलब डेफिनेशन आपको दे रहे हैं, जब तक डेफिनेशन नहीं देंगे इसका कोई महत्व नहीं है। अब तक देखिए 3 बाइनरी ऑपरेटर हम आपके सामने डिफाइन कर चुके हैं, प्लस मतलब माइनस मतलब भी प्लस, अब मल्टीप्लीकेशन मतलब भी प्लस, डिवीजन का मतलब भी प्लस। यानी कि इन चारों बाइनरी ऑपरेटर में जो मदर ऑपरेटर है वो प्लस है, बाकी सब उसी का उसी से डिराइव्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। 17/5 का मतलब है 17 × 1/5, इसका मतलब है 1/5 + 1/5 + 1/5 17 बार, यही मतलब है। अब 1/5 का मतलब 0 से 1 का जो दूरी है इसको 1 यूनिट बोलते हैं, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये दूरी 2 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट को अगर हम 5 बराबर हिस्सों में बांट दें तो 1 हिस्सा को कहेंगे 1/5। तो ऐसा ऐसा 1/5 17 बार ऐड करना है। तो 5 बार जब ऐड कीजिएगा तो 1 पे पहुंच जाइएगा, 1/5 + 1/5 + यहां 17/5 को हम 5 का मल्टीपल में 15 × 1/5 + 2 × 1/5 में बांटते रहे, यानी 1/5 1/5 15 बार जो ऐड करेंगे इसमें वो 3 मिल जाएगा 3। अब प्लस 2 बार और 1/5 + 1/5 तो 3 तक हम सीधे चले जाते हैं। अब प्लस 1/5 और 1/5 इस हिस्से को 5 बराबर हिस्सों में बांटें और 1/5 + 1/5 यही हम नंबर 17/5 इसी को बोल रहे हैं। तो 4 बाइनरी ऑपरेटर हम लोग डिफाइन किए थे रियल नंबर्स के बीच में, ये हमेशा 2 रियल नंबर के बीच में लिखा जाता है, और इनमें से बाइनरी ऑपरेटर्स में से जो जो इस प्रॉपर्टी को ओबे करता है कि 2 × 3 लिखें या 3 × 2, सेम रियल नंबर हमको मिलेगा। 2 + 3 लिखें या 3 + 2, यानी पहले 3 यूनिट्स ट्रैवल कर लें और फिर वहां से 2 यूनिट, या पहले 2 यूनिट ट्रैवल कर लें फिर वहां से 3, यू कम अराइव एट द सेम रियल नंबर। तो ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं कि दे आर कॉम्यूटेटिव इन नेचर, एक शब्द बना दिए हैं कॉम्यूटेटिव। लेकिन माइनस और डिवीजन ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, यानी 2 − 3 और 3 − 2 दे आर नॉट सेम। चेक कर लीजिए, दिस मीन्स 2 + −3 एंड दिस मीन्स 3 + −2, यानी पहले आप 3 यूनिट्स ट्रैवल कीजिए टूवर्ड्स राइट, यहाँ प्लस है, अब वहाँ से फिर 2 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप नंबर 1 पे पहुँचिएगा। और इसका मतलब 2 यूनिट्स ट्रैवल कीजिए टूवर्ड्स राइट और 3 यूनिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट, तो आप -1 पे पहुँचिएगा। उसी प्रकार 17/5 और 5/17, 5/17 का मतलब
पांच गुने एक बटे सत्रह, विच मीन्स एक बटे सत्रह प्लस एक बटे सत्रह प्लस एक बटे सत्रह प्लस एक बटे सत्रह प्लस एक बटे सत्रह पांच बार। जीरो से वन का जो दूरी है उसको सत्रह बराबर हिस्सों में बांट दें तो एक हिस्सा को एक बटे सत्रह बोलते हैं। तो वैसा वैसा पांच हिस्सा यहां कहीं पहुंचिएगा, पांच बटे सत्रह। तो सत्रह बटे पांच यानी 17 डिवाइडेड बाई 5 एंड 5 डिवाइडेड बाई 17, दे आर नॉट द सेम रियल नंबर्स। यानी कि इस चार बाइनरी ऑपरेटर में से चारों का मदर है प्लस। अगर आप प्लस समझते हैं तो सब समझते हैं, और इन चार में से दो है बाइनरी ऑपरेटर जो कॉम्यूटेटिव है स्वभाव में, और दो कॉम्यूटेटिव नहीं है। ये सब हम लोग क्लास 10th में सीख चुके थे। ये हम इसलिए इंट्रोड्यूस किए, इस बात को दोहराए, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर नाम का जो शब्द था ये शायद आप क्लास 10th में नहीं सुने हों, और शायद ये भी नहीं आपको पता हो क्लास 10th में कि चारों बाइनरी ऑपरेटर रियल नंबर्स के केस में उसका मदर है प्लस। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लिए। अब दो सेट के बीच में भी हम कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स डिफाइन करेंगे। एक सिंबल होगा, पढ़ेंगे यूनियन, लेकिन हमेशा लिखेंगे इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और ए क्रॉस बी। चार बाइनरी ऑपरेटर हम डिफाइन करने जा रहे हैं। हम कभी अगर दो सेट लिख दें, लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक सेट बी और लिख दें 2, 4, 6, 8, 10। हम दो सेट ऑफ नंबर्स लिखे हैं, एक का नाम ए एक का नाम बी। अगर हम ए यूनियन बी लिखें, इस सेट के किसी एक एलिमेंट का नाम अगर एक्स नाम से संबोधित करें तो एक्स शुड बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और इट बिलोंग्स टू सेट बी। अब आप ए यूनियन बी अगर कहें कि सेट को जरा लिख डालिए, आपको यहां पे वो हर एलिमेंट को लिखना है जो ए में पाया जाता है या बी में पाया जाता है, उन सबको लिख देना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब लिखना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए, यहां या यहां लिखना है कुछ। अब 2, 4, 6 को फिर दोबारे नहीं लिखेंगे, तो 2, 4, 6 तो दोनों में था, 8 और 10। अब हम सारा वो एलिमेंट्स लिख दिए जो एक भी छूटना नहीं चाहिए। अब वो जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे ए यूनियन बी सेट। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी सेट कहेंगे लिखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इस सेट के किसी एलिमेंट को अगर एक्स कहें तो एक्स शुड बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट बी, हिंदी में। अब इस सेट में आपको ऐसे एलिमेंट्स को लिखना है जो दोनों में पाया जाता हो, ए में भी एंड बी में भी, यानी जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पे 2, 4, 6 तीन एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। हम आपसे पूछेंगे ऐसा एक स्टेटमेंट, तो आप समझ जाएंगे कि हम ए यूनियन बी जो सेट है उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहे हैं, गिनती करके बता दीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देर आर 8 एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी, गिनती करके 3 है। ए माइनस बी, ए माइनस बी सेट को हम डिफाइन कर रहे हैं, माइनस बाइनरी ऑपरेटर। अब अगर इस सेट के किसी एक एलिमेंट को हम एक्स नाम से संबोधित करें तो एक्स मस्ट बिलोंग टू ए एंड
बट एक्स शुड नॉट बिलोंग टू बी, यानी आप इस सेट में वो भी जो भी आप लिखेंगे ना यहां एलिमेंट्स, वो सब सेट ए में पाया जाना चाहिए, माने सेट ए का सारा एलिमेंट, लेकिन उनमें से कोई अगर है जो बी में भी पाया जाता है उनको हटा देंगे। यही तो लिखा है, एक्स सिर्फ इस सेट में वैसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो ए में मौजूद है परंतु बी में नहीं होना चाहिए। अगर वो बी में है तो उसको यहां नहीं लिखेंगे। तो हम अगर ए के सारे एलिमेंट्स को पहले लिख डालें, इनमें से चुन चुन के उन एलिमेंट्स को हटाएंगे जो बी में भी पाया जाता है, तब हम सिर्फ तीन एलिमेंट बचेगा ए माइनस बी। बी यूनियन ए का डेफिनेशन क्या होगा? अगर ए यूनियन बी का डेफिनेशन ये था तो बी के स्थान पे ए लिख डालिए और ए के स्थान पे बी, तो बी यूनियन ए का डेफिनेशन होगा द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट मस्ट बिलोंग टू बी और मस्ट बिलोंग टू ए। तो फिर वही सब सारा एलिमेंट्स यहां लिखेंगे, यानी कि बी यूनियन ए और ए यूनियन बी दोनों सेम स्टेटमेंट है। यानी यू यूनियन नाम का जो बाइनरी ऑपरेटर हम लोग अभी क्रिएट किए वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम सेट है, आप चेक कीजिए। इंटरसेक्शन सेट का मतलब वो सेट जिसमें कि सारा एलिमेंट्स ऐसा लिखेंगे जो दोनों में पाया जाता हो। तो आप बी इंटरसेक्शन ए लिखिए चाहे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का मतलब यही रहेगा। व्हाट अबाउट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए? बी माइनस ए सेट को बनाने का प्रयास करते हैं। बी माइनस ए का मतलब बी का सारा एलिमेंट्स को पहले लिख डालिए, उनमें से कोई एलिमेंट जो ए में भी पाया जाता हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यही बी माइनस ए का मतलब। तो इस बार हम बी के सारे एलिमेंट्स को लिख दें 2, 4, 6, 8, 10, इनमें से कोई एलिमेंट अगर है जो ए में पाया जाता है 2, 4, 6, उनको हम निकाल दें, तो हमको बचेगा 8, 10। यानी कि दिस बाइनरी ऑपरेटर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। हम अगर कहें कि दो सेट का यूनियन कर दीजिए, हम दो सेट दे दें और कहें कि इन दोनों का यूनियन कर दीजिए, तो आप ही हमसे नहीं पूछेंगे कि सर ए यूनियन बी करना है कि बी यूनियन ए करना है। जैसे दो रियल नंबर को कहें कि जरा ऐड कर दीजिए, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि सर 2+5 करना है कि 5+2, लेकिन कहें कि दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है कि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दो बाइनरी ऑपरेटर में हम सिर्फ बोलेंगे कि दो सेट का जरा इंटरसेक्शन सेट बताइए, आपकी मर्जी उसको ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करना होगा दो सेट को तो बताना होगा कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। द लास्ट बाइनरी ऑपरेटर क्रॉस ए क्रॉस बी, चार ही बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन किए हैं दो सेट्स के बीच में, दो रियल नंबर्स के बीच में भी 4 था, यहां भी 4 ही है। ए क्रॉस बी को हम डिफाइन कर रहे हैं, हम कोई एक सेट एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं। सेट ए में 3 संख्या लिखा है और सेट बी में 2 संख्या लिखा है। हम ए क्रॉस बी सेट को डिफाइन कर रहे हैं, तब हम सब प्रयास करेंगे इस केस में ए क्रॉस बी सेट को बनाने का। तो लेट अस फर्स्ट लुक एट द डेफिनेशन। ए क्रॉस बी सेट का जो एलिमेंट्स होगा आपको जोड़ा जोड़ा में नंबर बनाना होगा, सच दैट पहला संख्या जो जोड़ा का होगा वो ए से उठाना होगा, एक्स मस्ट बिलोंग टू सेट ए, और जो दूसरा संख्या होगा वो बी से उठाना होगा। यही डेफिनेशन है ए क्रॉस बी सेट का।
हम आपको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किए हैं ए क्रॉस बी को। अब रोस्टर फॉर्म में हम इस सेट का क्रॉस करके लिखेंगे। पहला एलिमेंट वहां से एक नंबर उठाए वन, और यहां से एक नंबर उठाना है। अब वहां से एक नंबर उठाए, यहां से एक नंबर उठाए, जोड़ा बनाना है जितना जोड़ा बना सकते हैं। फिर 2, 2, 2, 7, 3, 2 और 3, 7, इतना जोड़ा आप बना सकते थे, 6 जोड़ा। कैसे? हम हर ब्रैकेट, ऑर्डिनरी ब्रैकेट के अंदर में दो संख्या भर रहे थे। पहला संख्या यहाँ से उठाना था और दूसरा संख्या यहाँ से। तो इस स्थान को भरने का मेरे पास 3 विकल्प था, और इस स्थान को भरने का मेरे पास 2 विकल्प था। तो कुल मिलाकर के 6 पॉसिबल पेयर्स हम बना पाएंगे। इनमें से कोई एक नंबर यहाँ लिखे, यहाँ पे हम दोनों नंबर को बारी बारी से बदल दिए। फिर हम इस स्थान पे दूसरा विकल्प जो पॉसिबल था वो लिखे, एंड फिर तीसरा। तो हमको पहले से पता था कि इस सेट में कितना एलिमेंट्स आएगा। अगर हम पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट कितना होगा, तो बहुत आसान है बताना। अगर आपको ए सेट में कितना एलिमेंट्स है पता हो और बी सेट में कितना एलिमेंट्स है पता हो, तो ये दोनों को आप गुना कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो सिंबल है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, यहाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ भी, पर दोनों प्रोडक्ट अलग अलग डेफिनेशन है दोनों का। यहाँ हम दो सेट के बीच में लिखे हैं ये सिंबल, दो सेट के बीच, और ये दो रियल नंबर के बीच में लिखा है। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये सेट नहीं है, ये संख्या है। जैसे इस केस में ये 3 है और ये 2 है, और 3 और 2 रियल नंबर्स के बीच में जब हम ये सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका डेफिनेशन है वो है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 3+3 टू टाइम्स, या 2+2+2। तो अब बड़ी आसानी से हम लोग अगर ये सेट ना भी लिखते तो भी हम देख के बता देते कि ए क्रॉस बी सेट में कितना एलिमेंट्स होगा। आप ये सेट छिपा भी लेते हमसे, केवल आप इतना बताते कि सेट ए में 5-4 एलिमेंट है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, और सेट बी में 3 एलिमेंट है। अगर हमसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी सेट बनाइए, तो हम क्या क्या जोड़ा क्रिएट करेंगे और कितना जोड़ा क्रिएट करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा ए क्रॉस बी में, ये पूछिएगा, तो हमको इस सेट को क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। बिना क्रिएट किए हम पहले से बता देंगे कि कितना जोड़ा बनेगा। और अगर कहेंगे हम कि जरा सब लिख डालिए, तो लिख भी डालेंगे। बोलते हैं a, 2 a, e a, f, b, 2 b, e b, f, c, 2 c, e c, f, 1, 2 1, e 1, f, कुल 4 × 3 = 12 एलिमेंट होगा इस सेट में। ये बात ए यूनियन बी सेट में कितना एलिमेंट्स होगा ये इतना आसानी से नहीं बता सकते, या ए इंटरसेक्शन बी सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, ये जवाब देने के लिए पहले हमको एक्चुअली में ए यूनियन बी करना होगा, सेट बनाना होगा, तब गिनती करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी में कैठो एलिमेंट्स है, तो हमको पहले ए इंटरसेक्शन बी सेट बनाना होगा, तब हमको गिनती करना होगा।
जबकि ए क्रॉस बी में पूछेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो हमको जरूरी नहीं है कि हम उस सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखें, हम खाली संख्या गिन करके गुणा करके जवाब दे देंगे। ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम सेट की डिफरेंट सेट। इस एग्जांपल को लें हम, ये था सेट ए और सेट बी, ए क्रॉस बी सेट क्रिएट किए, जोड़ा जोड़ा में नंबर लिए, पहला नंबर सेट ए से उठाए और दूसरा सेट बी से, अब बी क्रॉस ए करना है तो फिर जोड़ा जोड़ा में नंबर बनाएंगे, लेकिन इस बार पहला संख्या बी से उठाएंगे, तो 2,1, 2,2, 2,3, 3,7, 7,1, 7,2, 7,3, दीज आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, वो सेम आएगा 6 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट विल बी इक्वल, ये दो रियल नंबर है, बीच में इक्वल टू लिखा है, बट बी क्रॉस ए सेट इज नॉट इक्वल टू द सेट ए क्रॉस बी, क्योंकि सेम एलिमेंट्स नहीं है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम नहीं है, आप इनके स्थान को नहीं बदल सकते। हाँ, इसको उठा करके यहां रख दीजिए, इसको यहां रख दीजिए, वैसा करने से सेट नहीं बदलेगा। जैसे हम अगर ये इसको यहां पे लिख देते, अब बाद में इसको लिखते, तो उससे सेट नहीं बदलता, लेकिन आप ये जो एलिमेंट है वो सेम नहीं है, ये दोनों एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट अलग अलग है, तो द टू सेट्स आर नॉट सेम, सेम जोड़ा जोड़ा नंबर नहीं है इसमें और इसमें, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। माइनस यूनियन इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट में से ये दोनों कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव डबल एम, और ये दोनों नॉन कॉम्यूटेटिव है। हम लोग सेट्स को एक चित्र के रूप में दिखा सकते हैं सेट्स को। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आप किसी एक स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे सिर्फ 11th और 12th का बच्चा लोग, सब बच्चा उस स्कूल में 11th 12th में जितना बच्चा पढ़ता है, लड़का हो या लड़की, सबको इकट्ठा करते हैं और उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबको एक क्वेश्चन पेपर देते हैं सबको, उस क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा खेल आपको पसंद है, चार ऑप्शन डाला हुआ है उसमें, एक है क्रिकेट, एक बैडमिंटन, एक है फुटबॉल और एक है नन ऑफ दीस, और ये क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट को सर्कुलेट कर देते हैं, सब कोई अपना अपना उसमें टिक करेगा, कोई को अगर क्रिकेट और फुटबॉल दोनों दो गेम पसंद है तो दोनों को टिक करेगा, अगर किसी को क्रिकेट फुटबॉल और बैडमिंटन तीनों पसंद है तो तीनों टिक करेगा, किसी को एक ही पसंद हो, किसी को कोई नहीं पसंद, तो आप क्वेश्चन पेपर सबको दे दीजिए और सबको, सबका जो रिजल्ट आया उसको हम लोग सेट के भाषा में लिखते हैं। हम एक सेट था जिसको हम यू सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, ये था ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12। इस सेट को हम यूनिवर्स कहेंगे या यूनिवर्सल सेट कहेंगे, इसी पे हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब हम तीन सेट और डिफाइन कर रहे हैं, एक उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन जिनको क्रिकेट पसंद है, लाइक क्रिकेट, स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, एफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल, बी स्टूडेंट्स हु लाइक बैडमिंटन। अब इन सब को हम, अगर हम एक और एक सिंबल अभी पहली बार आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको प्राइम पढ़ते हैं, प्राइम, इस सिंबल को प्राइम बोलते हैं,
इसको बोलेंगे बी प्राइम या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और इसका क्या मतलब होगा सो क्लियर कर देते हैं। बी प्राइम सेट में उन स्टूडेंट्स का नाम होगा हु डू नॉट लाइक बैडमिंटन। अगर हम बी सेट को डिफाइन किए हैं स्टूडेंट्स हु लाइक बैडमिंटन, तो बी प्राइम जब बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम ऐसे सेट का बात कर रहे हैं ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक बैडमिंटन। अगर हम इसको बी सेट के नाम से संबोधित कर देते तो इसको बी प्राइम बोलते, या इसको बी नाम से संबोधित करेंगे तो इसको बी प्राइम, और अगर हम बी प्राइम का प्राइम पूछेंगे, यानी ये एक सिंबल है, हम इस सेट को इस नाम से पुकारेंगे। अब हम बी प्राइम का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं, यानी कि दो बार अगर प्राइम डाल दिए तो डू नॉट यानी कि हम इस सेट का बात कर रहे हैं बी। अगर हम सी प्राइम बोलेंगे, अगर हम सी सेट डिफाइन कर दिए हैं ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, तो सी प्राइम जब बोलेंगे तो उसका मतलब डू नॉट लाइक क्रिकेट। इन सभी बातों को अगर हम उस क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट कर लें लास्ट में, तो हम यहां पे सबका नाम लिख सकते हैं। टोटल स्टूडेंट्स उस स्कूल में अगर 600 स्टूडेंट्स थे तो सबका नाम यहां लिखा होगा 600। S1, S2, S3, S4, S600। उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स होगा जिनका नाम यहां पे लिखा होगा, कुछ का नाम यहां, कुछ का नाम यहां। एक चीज और पहले बता दें, अभी हम सिखाने जा रहे हैं आपको कि इन सभी सेट्स को हम एक चित्र के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स को कई तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तरीका एक, शब्दों में डिफाइन कर दें, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तरीका दो, कि हम वाकई में उन स्टूडेंट्स का नाम लिख दें, S5, S7, S8, S9, S502, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और तीसरा तरीका सीखने जा रहे हैं कि हम इन सेट्स को एक चित्र के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आइडिया हम लोग को देने वाले मैथमेटिशियन का नाम है विन, जॉन विन। उन्हीं के ऑनर में हम जो चित्र बनाएंगे उसको विन डायग्राम बोलते हैं, विन डायग्राम्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट को चित्र के रूप में बताने जा रहे हैं। ही सजेस्टेड कि ये जो यूनिवर्स है आपका, यानी आपके एक्सपेरिमेंट का जो सीमा है, आप इन्हीं स्टूडेंट्स पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स पे कल्पना कीजिए कि ढेर सारा डॉट्स है, बनाएंगे नहीं, कल्पना कीजिए, और ईच डॉट इज वन स्टूडेंट, या ईच डॉट इज वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो अगर इसमें 600 एलिमेंट्स है तो यहां कल्पना कीजिए कि 600 डॉट्स है। इसको हम अपना यूनिवर्सल सेट बोलेंगे या यूनिवर्स। अब जो स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद करते हैं उन डॉट्स को खोज खोज के एक घेरा में डाल दीजिए। इस सेट के ऊपर हम सी लिख रहे हैं या यहां लिख देते हैं। अब इस घेरा में जो डॉट्स है सिर्फ उन स्टूडेंट्स को आप घेरा में बंद किए हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। इसके बाहर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम सी प्राइम बोलेंगे, यानी कि जैसे आप मकान बनता है ना, मकान, कोई भी मकान, तो मकान के अंदर का हम आपको डिजाइन दिखा रहे हैं। आप मकान को पार्टीशंस में बांटते हैं दीवारों से कि ये मेरा बेडरूम रहेगा, ये एक और बेडरूम रहेगा, ये टॉयलेट होगा,
ये इलाका मेरा ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे सीढ़ी होगा। हम ऊपर से मकान को, छत को काट दीजिए और टॉप व्यू से हम दिखा रहे हैं, मकान में झांक के देखिएगा कमरे के, घर के अंदर। तो ये उसी प्रकार वेन का आइडिया ये है कि हम अपना एक घेरा बनाएंगे जिसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे, उसी घेरा में छोटा छोटा पार्टीशंस बोलते हैं उसको, खंदा, हिंदी में खंदा, इंग्लिश में पार्टीशंस। तो हम इस यूनिवर्सल सेट को छोटे छोटे खंदों में बांटेंगे और हर खंदा एक सेट होगा। तो यहां अगर इस सेट का नाम सी है, यानी इस घेरा के अंदर वो लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, तो इस घेरा के बाहर जो डॉट्स हैं वो सीब्राइन सेट में वो सब होगा। कुछ नोटिस कीजिए कि सी सेट और सीब्राइन सेट का अगर हम यूनियन कर दें, यानी एक ऐसा सेट लिखें इसका सारा एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स सबको लिख, तो कौन सेट बन जाएगा? वो हमारा यूनिवर्स बन जाएगा, यानी उस स्कूल का सभी स्टूडेंट का नाम अब उस सेट में आ जाएगा। और अगर सी सेट और सी प्राइम सेट का इंटरसेक्शन करें, यानी कॉमन कौन है जो दोनों सेट में पाया जाता, तो एक भी विद्यार्थी नहीं होगा जो दोनों में होगा। तो यहां जो सेट बनेगा उसको इस प्रकार हम लोग दिखाते हैं, दो करली ब्रैकेट के बीच में रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं नल सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट को ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या एक ऐसा सिंबल जिसको ग्रीक अल्फाबेट में लोग फाई बोलता है, PHI, हम लोग उसी सिंबल का यहां उपयोग करेंगे टू रिप्रेजेंट नल सेट्स, यानी ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, वैसे सेट को या तो ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, दो करली ब्रैकेट बीच में स्पेस छोड़ देंगे, या फाई लिख देंगे। तो यहां इंपॉर्टेंट बात है जो हम लिखे कि हम जिस अगर किसी सेट को सी सिंबल से डिनोट करें और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं इसको, इस सेट को कई नाम से बोलते हैं, एक सी प्राइम एक नाम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इस सेट को बोलते हैं, और एक और नाम जो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं उसको नॉट सी बोलेंगे। इन तीनों नाम को ध्यान से देख लीजिए, इस सेट को अगर हम सी बोल रहे हैं तो जो क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं उस सेट को बोलेंगे नॉट सी, और हम सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल करेंगे स्टेटमेंट, यानी हम यहां पे एक सेट डिफाइन कर देंगे। जैसे देखिए, हम अपना एक यूनिवर्स डिफाइन कर रहे हैं, एक से लेकर के 50 तक का, 20 तक का इवन नंबर्स, 20 तक का नेचुरल नंबर्स, हम एक सेट यू डिफाइन कर रहे हैं, एक से लेकर 20 तक का सारा नेचुरल नंबर्स, एक सेट ए डिफाइन कर रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 3। अब हम नॉट ए सेट पूछेंगे कि बताइए, तो नॉट ए बोलेंगे इस सेट को हम, या ए प्राइम बोलेंगे, या इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट बोलेंगे, तीनों एक ही बात है। तो हमको अब यहां पे उन एलिमेंट्स को ढूंढना है विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 3। तो अब यहां पे आप अगर ढूंढिएगा इस सेट में 3, 6, 9, 12, 18, अब इनको छोड़ करके 5 है, को छोड़ करके जो बाकी 15 बचेगा, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, ये सब होगा नॉट ए सेट में। कभी भी ए और नॉट ए सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता है, यही बात यहां लिखे हैं।
एनी सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन कीजिएगा तो एक नल सेट मिलेगा, और दोनों का यूनियन कर दीजिएगा तो यूनिवर्स मिल जाएगा। तो व्हेन हम लोग को आइडिया दिए कि कैसे हम अपने उस एक्सपेरिमेंट को या तो ऐसे लिखें या हम एक चित्र के रूप में अपने उस पूरे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे एक बड़ा घर बनाएंगे, घेरा बनाएंगे, इसको हम यू नाम से संबोधित कर देंगे, यूनिवर्सल सेट, और उसमें छोटा छोटा खंडा या पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे। ईच पार्टीशन विल रिप्रेजेंट अ सेट। तो हम यहां पे सी लिख देंगे, तो आप सब समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो डॉट्स है दे रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु लव क्रिकेट या लाइक क्रिकेट, स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। अब इनमें से जो जो फुटबॉल पसंद करते हैं उनको घेरा करेंगे, कुछ मार्क कीजिए। यहां पे हम दोनों सेट को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराएं। ऐसा क्यों कराए होंगे? यहां पे वो स्टूडेंट्स का नाम होगा जो दोनों खेल पसंद करते होंगे, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी, और इस खंडा के बाहर का जो इलाका है बाहर का वो है एफ प्राइम, जो फुटबॉल नहीं पसंद करते। अब तीसरा सेट, दोज हु लाइक बैडमिंटन, हम उन स्टूडेंट्स को घेर रहे हैं, यानी अब इस घेरा में वो हर स्टूडेंट है जिनको बैडमिंटन पसंद है। ये घेरा में किन स्टूडेंट्स का नाम होगा? जिनको तीनों खेल पसंद है, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, बैडमिंटन। इस घेरा में कौन लोग का नाम होगा? जिनको बैडमिंटन तो पसंद है लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल नहीं पसंद है। इस घेरा में कौन लोग का नाम है? इस घेरा में, इस घेरा में, ये वाला घेरा, ये इस घेरा में सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम है जिनको बैडमिंटन और क्रिकेट तो पसंद है लेकिन फुटबॉल नहीं पसंद है। और बाहर जो बच गया सो ई डॉट्स, ये उन स्टूडेंट्स का नाम है जिनको इन तीनों में से कोई खेल नहीं पसंद है, नन ऑफ दिस। हम लोग को भविष्य में जरूरत पड़ेगा इस भाषा का। अभी तो हम सेट्स में केवल आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिए इस लैंग्वेज का, लेकिन भविष्य में हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा। अधिक से अधिक दो खंडा होगा, तीन नहीं। जैसे कोई एक यूनिवर्स होगा मेरे सवाल में और उसमें दो सेट डिफाइन किया गया होगा, ए और बी। फॉर एग्जांपल हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम बिटवीन फ्रॉम 1 to 50। एक सेट ए डिफाइन कर रहे हैं इवन नंबर्स, इसी सेट में जो जो नंबर्स इवन है, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द यूनिवर्स एंड एक्स इज इवन, तो हम इस सेट को तुरंत रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, 50 भी है, 48, इसमें से आधा एलिमेंट इसमें आ गया, आधा ऑड है आधा इवन है। अब हम एक सेट डिफाइन कर रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू द यूनिवर्स, यानी हम इसी का सबसेट्स डिफाइन कर रहे हैं। ये सबसेट हम आपको अभी इंट्रोड्यूस नहीं किए थे शब्द, तो थोड़ा डिविएट करके हम आपको ये शब्द सबसेट थोड़ा डिफाइन करते हैं। x बिलोंग्स टू यू एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो सेट B को हम अगर पोस्टर फॉर्म में लिखें तो 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27 कंप्लीट कर लेंगे, डॉट डॉट डॉट।
हाँ एक शब्द अभी हम यूज किए हैं सबसेट ऑफ अ सेट, तो उसको क्लियर कर देते हैं। कोई भी एक सेट हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, हम एक सेट ए में 5 संख्या लिख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हमेशा हम कई बार ना नंबर्स लिख दे रहे हैं, पर वो नंबर्स जरूरी नहीं है, कुछ भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे हाथी, घोड़ा, जलेबी, कुत्ता, बिलाई, एनीथिंग कैन बी रिटन इन अ सेट। तो हम एग्जाम्पल के रूप में नंबर्स ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो हमेशा नंबर से ही मतलब पढ़ने वाला है आगे, बट कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यहां एक सेट ए में 5 एलिमेंट्स लिखे हैं। अगर आप कोई एक सेट बनाते हैं इन्हीं एलिमेंट्स में से चुन करके एलिमेंट्स को, तो वैसे सेट को बोलते हैं सबसेट ऑफ सेट ए। जैसे हम एक सेट बनाए हैं 2, 3, इन्हीं में से हम इन दोनों एलिमेंट को चुने हैं और एक सेट बना दिए हैं। ऐसा हम बहुत सबसेट्स बना सकते हैं उस सेट का। हम एक 1, 4, 5 ये भी सबसेट है इस सेट का। ऐसा हम कितना सबसेट्स बना सकते हैं वो अभी बना के देखेंगे, पर पहले किस सेट को सबसेट बोलते हैं वो क्लियर होना चाहिए। अगर हम यहां पे कोई एक सेट अभी लिखें B4 या B3 अभी लिखेंगे, और आपसे हम कहें कि जरा चेक करके बताइए कि क्या B3 A का सबसेट है, तो आप क्या चेक करेंगे? हम किसी भी सेट को, किसी भी सेट का अगर ये सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है, ए बड़ा सेट है और बी उसी के अंदर का एक पोर्शन सेट है, तो हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, और लिखेंगे ऐसे, इस तरह का एक सिंबल है, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए पढ़ेंगे। ये सिंबल बड़ा मिलता जुलता है रियल नंबर लाइन पे। अगर 2 नंबर यहां लिखा है -5, यहां कहीं 0 होगा, और इसके दाहिने तरफ राइट हैंड साइड कोई नंबर लिखा है -2, तो आप ऐसा लिखते हैं -2 इज ग्रेटर देन बोलते हैं, और इसके तरफ मुंह ऐसे फैला हुआ होता है -5। यानी रियल नंबर लाइन पे अगर हम 2 नंबर एक ए और बी लिखा हो, ये मेरा इंक्रीजिंग डायरेक्शन बोलते हैं नंबर लाइन, तो जो दाहिने तरफ लिखा हो उसी को बड़ा बोलते हैं, और इस बात को ऐसे लिखते हैं, आप पढ़ते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, या लिखते हैं इस प्रकार, ये स्टेटमेंट और ये दोनों सेम स्टेटमेंट, और पढ़ते हैं बी इज लेस देन ए। इसी से मिलता जुलता सिंबल है बनाया हुआ। जब हम एक बड़ा सेट में से एक छोटा सेट बनाते हैं, पर उसी में से एलिमेंट्स को चुनना है, बाहर से किसी एलिमेंट को नहीं चुनना है, तो बी सेट को कहते हैं बी लेस देन ए। ऐसा सिंबल का उपयोग नहीं करेंगे, पर मिलता जुलता है उसी से, ए की तरफ मुंह फैला हुआ है, एज इफ कि ए सेट बी सेट से बड़ा सेट है, पर बोलते नहीं है कि बी सेट इज लेस देन सेट ए। वो लेस देन सिंबल जो है या ग्रेटर देन सिंबल, ये सिर्फ 2 रियल नंबर के बीच में इस्तेमाल होगा, सेट के बीच में कभी भी ये सिंबल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अगर हम कभी कहें कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये तभी बोल सकते हैं जब एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू बी, अगर एक्स कोई एलिमेंट है बी में, देन एक्स मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू सेट ए। इस डेफिनेशन को हम 2-3 बार बोल दें हिंदी में, इंग्लिश में, यहां लिखे हैं कि
अगर आप ऐसा बात लिखते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ सेट A, तो ये तभी लिख सकते हैं जब अगर इफ माने अगर X कोई एक एलिमेंट है B में, तो वो निश्चित रूप से A में भी पाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेट A है, हम यहां एक सेट लिखने जा रहे हैं, आपको बताना है देख के कि ये A का सबसेट है, B इज अ सबसेट ऑफ सेट A, या A इज अ सबसेट ऑफ B, या नाइदर, दोनों में से, तीनों में से, दोनों में से कोई वाक्य सही नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखेंगे। ये स्टेटमेंट चेक करने के लिए करना ये है, क्वेश्चन है कि क्या B A का सबसेट है, तो चेक करते हैं। डेफिनेशन के अनुसार B में पाया जाने वाला हर एलिमेंट A में भी पाया जाना चाहिए। एक एक करके चेक कीजिए, यहां पे लिखा है 3 वहां भी है, ठीक है, 4 और वहां भी है, 5 वहां भी है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या A सबसेट है B का कि नहीं, तो चेक करते हैं। A में 1 है, 1 वहां भी होना चाहिए, नहीं है, बस आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर एक भी जगह आपको किसी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाए, तो आप कहेंगे A इज नॉट अ सबसेट। एक और एग्जांपल देखें, एक सेट A लिखा है, एक सेट B लिख रहे हैं, सेट A के अंदर में कुछ और एलिमेंट्स भी हम लिख दिया, सेट A में कुल 6 एलिमेंट लिखे हैं, एक 1, 2, 3, 4 और एक सेट भी है नल सेट, एक जोड़ा नंबर भी है, और एक और सेट है -5, 6। सेट A के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स है, यानी -5, 6 जो कि एक सेट है, वो एलिमेंट है ऑफ सेट A, ऐसा बोलेंगे। अब हम एक सेट B आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं, आपको बताना है कि क्या सेट B जो लिखेंगे वो सबसेट है कि नहीं A का। एक सेट बना रहे हैं -5, 6, 4। इज B अ सबसेट ऑफ सेट A? तो एक एक करके चेक कीजिए। B के एक एलिमेंट को देखिए, B में 2 एलिमेंट लिखे हैं, ये एलिमेंट अब देखना है कि ये एलिमेंट A में भी है कि नहीं, तो है। अब ये एलिमेंट जो जो B में लिखा है, अगर वो B में लिखा है तो A में भी होना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि B इज नॉट अ सबसेट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, B इज अ सबसेट ऑफ A। इसी में दूसरा पूछते हैं, अगर हम ऐसा सेट लिख दें, अब पूछ रहे हैं कि क्या B A का सबसेट है कि नहीं, तो B में एलिमेंट 2 लिखे हैं, ये धोखा दे रहा है ना, ऐसे ही तो देखना है कि आपको भाषा समझ में आ रहा है। -5 और 6 पहली बार हम ऐसे लिखे थे, तो उसमें ये एक एलिमेंट था जो B में लिखे थे, पर अबरी बार हम ऐसे लिखे हैं, यानी अब B में 2 ही एलिमेंट लिख रहे हैं, एक -5 और 1, 6, तो -5 वहां नहीं है, 6 वहां नहीं है, यानी कि ये सेट जो हम लिखे हैं वो निश्चित रूप से A का सबसेट नहीं है। कितना सबसेट्स बन सकता है, अगर हम एक सेट A लिख दें, 3 एलिमेंट लिखे हैं सेट A में, और आपसे पूछें कि जितना सबसेट्स बना सकते हैं बनाइए, तो जो जो सबसेट्स हम बना सकते हैं आपके सामने लिख रहे हैं। हम एक सबसेट बनाए हैं, इसमें से एक एलिमेंट चुन करके एक सबसेट बनाए हैं। देखिएगा, अगर हम कोई सेट लिखें जो सबसेट ना हो तो हमको टोक दीजिएगा, हम एक एक एलिमेंट वाला सेट बनाए हैं।
अब दो दो एलिमेंट वाला बना रहे हैं। अब तीन तीन एलिमेंट वाला बना रहे हैं। आप इन सबको चेक कीजिए कि ये सब सबसेट्स है कि नहीं उस सेट का। अगर इसमें कोई एलिमेंट हम लिखे हैं तो वो वहां भी होना चाहिए, तभी कहेंगे इसको सबसेट। दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, सबसेट 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 है कि नहीं, एक एक करके मिलाइए। अगर यहां ए लिखा है तो वो वहां भी है, ये बी वहां भी है, सी वहां भी है, ये भी सबसेट है उस सेट का। हाँ, ये वाला जो सेट बनाए हैं वो इक्वल टू है इसके। ये सेट और ये सेट, इन सब का कुछ कुछ नाम रख दें, A1, A2 इक्वल, A3, A4, A5, A6, A7। तो A7 जो सेट है और A सेट, दोनों एक दूसरे का सबसेट कहलाएगा। बाकी सब सेट्स जो लिखे हैं A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, वो सब तो इस सेट से साइज में भी छोटा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम दिख रहा है। और ये जो आखिरी सेट लिखे हैं A7, उसमें वो सारा एलिमेंट लिख दिए हैं। तो A7 सेट और A सेट में क्या संबंध है? तो A7 सेट इज इक्वल टू सेट A, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। A7 सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट A, ये भी लिख सकते हैं। A7 सेट ऐसे मूव कर दिए, यानी इसको दो तरीका से पढ़ा जाता है। जब हम ऐसा लिखते हैं तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है B इज ए सबसेट ऑफ सेट A, या पढ़ा जाता है सेट B इज कंटेन्ड इन सेट A, या ऐसे भी पढ़ा जाता है सेट A कंटेन्स सेट B। जिधर मुंह फैला हुआ है वो बड़ा बर्तन है, अब B उसी में समाया हुआ है। तो इसको तीन तरीका से पढ़ा जाता है। पहला, B is a subset of set A. दूसरा, B is contained in set A, उसी के अंदर। और तीसरा, A contains B. इन तीन तरीकों में से किसी एक तरीका से पढ़ सकते। तो A7 set और A set में क्या संबंध है? तो हम ये तीनों बात सत्य है। A7 set is equal to, यहाँ A7 set हम इसको बोल रहे हैं, ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 सेट हम इसको बोल रहे हैं। तो A7 सेट का A सेट के साथ क्या संबंध है? तो वो ये भी लिख सकते हैं, दे आर इक्वल। ये भी लिख सकते हैं कि सेट A7 इज कंटेन्ड इन सेट A, या A7 कंटेन्स A। चित्र बनाएंगे तो दोनों सेट ओवरलैप करेगा, उसके अंदर नहीं समाया होगा बल्कि एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। कोई और सबसेट छूट तो नहीं गया है? एक सबसेट और है जो छूट गया है। अगर हम एक नल सेट बना दें, यानी इन तीनों में से किसी को नहीं लिखें, तो क्या ये सेट, इसका कोई एक नाम रख देते हैं A0, A1, A2, A3 नाम से। तो ये सेट जो है, इस सिंबल को हम जीरो बोलते हैं या नॉट भी बोलते हैं, NOUGHT, या सिफर भी बोलते हैं या जीरो भी बोलते हैं। तो हम इस सेट का नाम रखे हैं A0, इस सेट का नाम A1, A2 वगैरह वगैरह। तो क्या ये सेट को हम उस सेट का सबसेट कहें या नहीं कहें? डेफिनेशन देखिए, लिखा है कि B को A का सबसेट तभी कह सकते हैं जब अगर कोई एलिमेंट है जो B में है तो वो A में भी होना चाहिए। तो अगर कोई भी एलिमेंट यहां लिखते हैं तो हमको चेक करना होगा कि वो A में है कि नहीं, होना चाहिए, तभी कहेंगे कि वो सबसेट है। तो यहां कुछ नहीं लिखे हैं इसीलिए हमको चेक करने का जरूरत ही नहीं। सो सबसेट किसी भी सेट का सबसेट, सारा सबसेट अगर कहें कि लिख डालिए तो उसमें एक नल सेट भी आप लिखेंगे। इस कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ सेट A। ये सेट का पावर सेट कहें कि लिख डालिए
तो उसके सारे सबसेट्स का कनेक्शन को कहते हैं पावर सेट। पावर सेट ऑफ एनी सेट इज द कलेक्शन ऑफ इट्स सबसेट्स। जैसे एग्जाम्पल लिया, अगर हम ये सेट लिख दें ए और कहें कि उसका पावर सेट लिख डालिए, तो आपको ये सब लिखना होगा, एक छूट गया नल सेट भी लिखना होगा, और इस प्रकार का सिंबल से डिनोट करेंगे, कैपिटल पी ब्रैकेट में कैपिटल ए। ये एक पावर सेट है ऑफ दिस सेट। एक सिंबल ऐसा भी हम लोग इस्तेमाल किए हैं, ये एक रियल नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, जबकि पी ब्रैकेट में इसको पावर सेट ऑफ सेट ए बोलते हैं, ये एक सेट। अगर हम ऐसा लिखें एन पी ए, तो हम क्या जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट वो कितना होगा, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि इस सेट का कैठो सबसेट्स बनाना संभव है। ये हम लोग बाद में सीखेंगे प्रूफ इसका, अभी केवल एक फॉर्मूला रटवाते हैं। अगर ए सेट में तीन एलिमेंट है तो उसका 2^3 सबसेट्स बनाना संभव है, यानी 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी अगर इसमें चार एलिमेंट होता, सपोज कीजिए ए सेट में चार एलिमेंट होता ए बी सी और डी, तो इसका पावर सेट बनाते आप, तो अभी प्रूफ नहीं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी खाली आपको हम रटवा रहे हैं कि तब इसके पावर सेट में 2^4 यानी कुल 16 सबसेट्स बनाना संभव है। कुछ बना के देखते हैं। पहला नल सेट, दूसरा एक एक एलिमेंट वाला सबसेट्स ए बी सी, ऐसा 4 बना पाएंगे। अब दो दो वाला सबसेट ए कॉमा बी ए कॉमा सी, उसी में से चुन रहे हैं ए कॉमा डी बी कॉमा सी। अब बी कॉमा ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि बी कॉमा ए लिखना और ए कॉमा बी लिखना ये दोनों सेम सेट हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम B, C लिखेंगे, अब B, D लिखेंगे, फिर C, D लिखेंगे, दो दो वाला, फिर तीन तीन वाला A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D, तीन तीन वाला, अब फिर चर्चर वाला एक ही होगा A, B, C, D। इन सब को गिनती करेंगे अगर हम, तो एग्जैक्टली 16 सबसेट्स बना है। अब इसका प्रूफ हम लोग डिस्कस करेंगे भविष्य में, जब मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तब हम लोग इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट विल बी इक्वल टू 2^ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब तो ये भाषा हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक रियल नंबर लिखा है, ये सेट है, ए भी सेट है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इधर एक रियल नंबर है, ये इधर नंबर पूछ रहे हैं। ए अगर एक सेट है जिसमें कि 4 एलिमेंट्स, अब क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। बी एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, अब अगर हम पूछें कि ए क्रॉस बी सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जोड़ा बनाएंगे, इसमें से एक लेंगे कॉमा इसमें से ऑर्डिनरी ब्रैकेट, तो हम लोग पढ़े हैं कि ए में जितना एलिमेंट्स है और बी में जितना एलिमेंट्स है दोनों को गुणा कर दीजिए, यानी कुल इस केस में ए क्रॉस बी सेट अगर बनाए जोड़ा जोड़ा में तो 12 बन पाएगा। अगर हम पूछें कि इस सेट का पावर सेट
किसी एक सेट का पूछा जाता है, जबकि प्रोडक्ट सेट दो का प्रोडक्ट कहते हैं कीजिए। जब हम एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोलेंगे करने के लिए तो टू सेट्स देंगे, ए और बी दो सेट देंगे और कहेंगे कि उनका प्रोडक्ट सेट बनाइए, ए क्रॉस बी बनाइए या बी क्रॉस ए बनाइए बोलेंगे। लेकिन जब पावर सेट बनाने बोलेंगे तो कोई एक ही सेट का बोलते हैं पावर सेट, दो का नहीं। हाँ, माने अलग अलग पूछ सकते हैं, इस सेट का भी पावर सेट बनाइए और इस सेट का भी पावर सेट बनाइए, अलग अलग। लेकिन यूनियन करने जब बोलेंगे, इंटरसेक्शन करने जब बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे और सब्ट्रैक्शन बोलेंगे तो ऐसे बोला जाता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। लेकिन पावर सेट ऑफ अ सेट, तो हम अगर ए सेट में चार एलिमेंट दे दें और पूछें कि इसका पावर सेट अगर बनाएं, यानी उसके सभी सबसेट्स का कलेक्शन करें, तो कुल कैठो सबसेट्स इसमें बनेगा, तो ये जवाब 2 to the power 4। इसका सब पावर सेट बनाइएगा तो उसमें 2 to the power 3 सबसेट्स एलिमेंट्स पाएंगे। और ए क्रॉस बी जब पूछेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तब दोनों के एलिमेंट से मतलब होगा। लेट्स कम बैक टू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पढ़ते पढ़ते हमको बीच में एक सबसेट शब्द बोले थे तो उसको हम बताने लगे। एक सेट से रिलेटेड जितना भी शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे ना, वो सारा शब्द हम लोग को याद होना चाहिए। जैसे हम आज क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए बताते हैं आपको। पहला शब्द था व्हाट इज अ सेट, किसको सेट बोलेंगे। दूसरा शब्द था कि सेट को हम लोग दो तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। उसके बाद शब्द आया था 4 binary operators बिटवीन टू सेट्स दे करके हम बोलेंगे यूनियन कर दीजिए, इंटरसेक्शन कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका क्या मतलब होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर एक शब्द था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो उसको कैसे लिखेंगे और आप गिनती करके जवाब दें। फिर एक शब्द था बिलोंग्स टू, कोई सेट में जितना भी आप एलिमेंट्स लिखते हैं, अगर उसमें किसी एलिमेंट को कहना है कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए सबसेट ऑफ अ सबसेट। फिर हम लोग डिस्कस किए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स को कहेंगे पावर सेट, वो एक सेट है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करना शुरू किए कि अब एक सेट को चित्र के रूप में कैसे दिखाएंगे। ये आइडिया हम लोग को दिया गया बाय अ मैथमेटिशियन नेम्ड जॉन वेन, उन्हीं के ऑनर में वेन डायग्राम्स बोलते हैं। एक एग्जांपल लिए हम कि कैसे एक स्कूल में जाके हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे और उसी का कुछ सबसेट्स डिफाइन किया गया था जिनको बी सी एफ सिंबल से हम डिनोट किए थे। सो बी सी एफ वर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। बस इसी समय हमको सबसेट शब्द बोलना पड़ा और हम डेविएट करके सबसेट में चले गए। वापस आ रहे हैं अब वेन डायग्राम्स में। एक यूनिवर्सल सेट में हम कोई भी एक सेट डिफाइन करें अगर ए, तो इसके बाहर में जो एलिमेंट्स दिख रहा है उसको हम लोग इस नाम से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और बोलेंगे उस सेट को ए प्राइम या कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट ए, या बोलेंगे नॉट ए। और जिस सेट को भी हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस सेट को भी इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट सेट कहा जाता है। यानी जो इसमें लिखा है वो उसमें नॉट दैट है और जो उसमें लिखा है इसका डेफिनेशन है नॉट दैट। तो दोनों सेट को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, अर्थात एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछे कि कौन सेट है तो आप सेट ए लिखेंगे। तो हम कई नाम से संबोधित करेंगे
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, नॉट ए या ए प्राइम। तो अगर ये सेट को ए कहें तो इस सेट को ए प्राइम कहेंगे या नॉट ए, और अगर इसको ए कहें तो इसको ए प्राइम कहेंगे। दोनों में क्या संबंध दिख रहा है ए और ए प्राइम में, कि ए और ए प्राइम को अगर यूनियन कीजिएगा, यानी ऐसा सेट जिसमें कि इसका सारा एलिमेंट और इसका भी सारा एलिमेंट को इकट्ठा कर दीजिए, तो आपको यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन कर दीजिए तो आपको एक नल सेट मिलेगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इन दोनों सेट। अगर कोई दो सेट में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो ए और बी, तो उनका इंटरसेक्शन करने पे हमको नल सेट मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ऐसा शब्द बोलेंगे। जॉइंट माने देखिए, जैसे यहां पर सेट ए और सेट बी कोई एक यूनिवर्स था जो हम लोग डिफाइन किए थे, फिर से लिख रहे हैं, एक से लेकर के 50 तक का नेचुरल नंबर्स, एक सेट ए डिफाइन किए थे ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 48, 50, एक सेट बी डिफाइन किए हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 18, 48, अब अगर हम इन तीनों सेट को एक चित्र के रूप में दिखाएं, तो यहां हम एक बड़ा सा एक रेक्टेंगल बनाए हैं जिसको यूनिवर्स बोलेंगे, एक सेट घेरा बनाए हैं जिसको सेट ए बोल रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ इस पूरे झुंड में से जो इवन है उसी झुंड को हम ए नाम से संबोधित किए हैं, और इस पूरे झुंड में जो मल्टीपल्स ऑफ 3 है वो यहाँ है। कुछ एलिमेंट ऐसा भी दिख रहा है जो दोनों में है, वो सब यहाँ है, यानी इस घेरा में वो एलिमेंट्स वो नंबर्स लिखा होगा जो 2 का भी मल्टीपल है एंड 3 का भी मल्टीपल है। अगर ए और बी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, अगर नहीं होता तो चित्र बनाते वक्त दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि अलग अलग बनता है, उसी को बोलते हैं डिसजॉइंट। जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ और डिसजॉइंट मतलब अलग अलग। तो हम यहां लिखे हैं कि अगर दो सेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर नल सेट हो, जिसका मतलब कि ए और बी सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो अगर, देन ए और बी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। एक नया नाम और सेट्स के चैप्टर में एक और नया शब्द आपके दिमाग में घुसा, डिसजॉइंट। दो सेट को कब कहेंगे डिसजॉइंट, उनका चित्र बनाते वक्त भी आपको दिख जाएगा। जैसे इस समय इस एग्जांपल में ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। अगर हम एक सेट यहां बनाएं, सेट सी ऑड नंबर्स का सेट, तो उसमें उस सेट को कैसे खंदा बनाएं, ये सारा नंबर्स जो बाहर में बचा है ये सब, वो सब को तो इंक्लूड करना ही है, कुछ नंबर इस सेट में भी है जो ऑड है, इसमें कोई नहीं है। तो हम सेट सी को मान लीजिए 3 रंग का इस्तेमाल करें, लाल रंग टू रिप्रेजेंट ए, तो हम यहां पे पूरा लाल रंग देंगे। अब कहें कि बी सेट को रिप्रेजेंट कीजिए ब्लू रंग से, तो हम ब्लू रंग देंगे। देखिए ब्लू और लाल, इस इलाके में ब्लू और लाल दोनों रंग पाया जाता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ। अब कहेंगे कि हमको इस सेट को रिप्रेजेंट कर दीजिए सेट ऑफ ऑड नंबर्स को पीला रंग से, तो हम इस पूरे को पीला रंग से रंगेंगे, और कुछ इसमें भी रंग देंगे कोई भी, लेकिन जो भी रंगेंगे कहीं भी रंग दीजिए आप, यहां पे रंग दीजिए
चलेगा। यानी ये है सेट सी। सेट सी का खंधा ये काला रंग से जो अभी हम पेंट किए, इसके बाहर का जो पूरा इलाका है वो है सेट सी। तो सेट सी और सेट बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, पर सेट सी और सेट ए में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये पीला रंग इस खंधा के बाहर में ही कहीं दिख रहा है, इस खंधा में कहीं भी पीला रंग नहीं आया है। तो ऐसे स्थिति में कह सकते हैं कि सेट सी एंड सेट ए आर डिस्जॉइंट सेट्स, नथिंग इन कॉमन। यहां इवन नंबर्स लिखा है और यहां ऑड नंबर्स, तो दोनों हो इवन भी और ऑड भी, ऐसा तो कोई संख्या नहीं है। तो हम एक नया शब्द आपके जीवन में इंट्रोड्यूस किए, डिस्जॉइंट। अभी इस एग्जांपल में हम सिर्फ दो ही सेट डिफाइन किए हैं, सेट ए और सेट बी। बस ये जो मकान है, घर हमारा है, यूनिवर्स, इसको हम चार खंडों में बांटा हुआ दिख रहा है, फोर पार्टीशंस बोलते हैं। जैसे ये एक खंडा है, ये एक पार्टीशन है, ये एक खंडा है, ये तीसरा और बाकी चौथा। यहाँ हमारा बेडरूम रहेगा, यहाँ पे दूसरा बेडरूम रहेगा, यहाँ टॉयलेट रहेगा और बाकी जगह हम अपना ड्राइंग रूम बनाएंगे। ऐसा हम अपने मकान का डिज़ाइन किए हैं। तो हम पार्टीशन वर्ड जब इस्तेमाल करेंगे, पार्टीशन, तो उसमें डिसजॉइंट सेट्स होना चाहिए। जैसे ये वाला जो सेट है, इस सेट में जो भी एलिमेंट है, इस सेट का कोई नाम रखेंगे, अभी सोचेंगे क्या नाम रखेंगे। इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनका भी नाम रखेंगे, कि ये सेट में जो भी एलिमेंट्स है और ये सेट में जो भी एलिमेंट्स है उनमें कोई कॉमन नहीं है। दिस सेट, इस सेट का नाम हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या सोचा है। हम लोग इसका नाम सोचा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी उस सेट को कहते हैं जिसमें कि उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो दोनों में पाया जाता है। इस सेट को वही कई बार संक्षेप में सिर्फ ए बी लिखेंगे, ये डिसाइड हुआ है, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ए बी लिखेंगे तो आप समझेंगे ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। तो इस खंधे का नाम हम लोग रख दें, जैसे थोड़ी देर पहले थे ना, बोले थे इसको टॉयलेट बोलेंगे, इसको बेडरूम, इसको किचन, इसको ड्राइंग रूम। तो अब हम लोग सेट्स के भाषा में इस कलेक्शन में को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी सेट, यानी ए बी। अगर हम कहें कि एक लाल कलम लीजिए और ए बी सेट को जरा इस पे शेड करके बता दीजिए, तो आप इसी को शेड करेंगे। अगर हम कहेंगे सेट ए को शेड कर दीजिए ब्लू रंग से, तो आप यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा खंधा है इसको शेड करें। अगर हम कहेंगे ए यूनियन बी को शेड कर दीजिए पीला रंग से, तो ये पूरा जो घेरा है यहां से वहां ये पीला कर देंगे। यानी ये पूरा सेट को कहेंगे ए यूनियन बी, सिर्फ इसको कहेंगे ए बी, सिर्फ इसको क्या कहेंगे, ये वाला जो इलाका है उसका क्या नाम रखेंगे, सोचते हैं। ये सेट का नाम, कई नाम है, उस सेट में कौन कौन एलिमेंट्स लिखा गया है देखिए। वो सेट ए का सारा एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट्स को निकाल बाहर किया गया है। ए इंटरसेक्शन बी यानी ऐसे एलिमेंट्स को निकाल देना है, ये एक सेट लिखे हैं, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है। तो सेट ए में से अगर आप उन एलिमेंट्स को बाहर निकाल दें जो ए और बी दोनों में कॉमनली पाया जाता है, तो जो सेट बनेगा वही ये सेट है। तो हम इस खंधा का नाम ऐसे लिखते हैं, तरीका एक। तरीका दो, हम सिर्फ ए माइनस बी लिख दें कि ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल बाहर कर दीजिए, तो ये सेट बन जाएगा। जैसे हम यहाँ ए माइनस बी बोले कि सेट बनाइए, तो पहले ए वाला सारा एलिमेंट्स लिख डालेंगे, दो चार छः, और उनमें से कोई एलिमेंट अगर बी में भी पाया जाता है, जैसे ये है पूरा सेट ए, पर इनमें से कुछ एलिमेंट्स हैं जो बी में भी मौजूद हैं, उनको निकाल बाहर कर देंगे तो जो सेट बचेगा उसी को बोलते हैं ए माइनस बी। यानी इस खंधे का नाम हम ए माइनस बी भी रख सकते थे।
कई नाम है इस खंधे का, अंत में हम कोई एक नाम चुनेंगे जो हमको सबसे हैंडसम लगे। इस खंधे का नाम में कोई शंका नहीं है। इस खंधे को जब भी आज के बाद पूछेंगे कि दिस रीजन रिप्रेजेंट्स विच सेट, तो आप बोलेंगे ए बी सेट, हम सब समझ जाएंगे कि आप ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं, यानी उस सेट में वो एलिमेंट्स है जो दोनों में पाया जाता है। आप सिर्फ बोलेंगे ए बी। अगर हम इस खंधे का नाम पूछें क्या है, ये भी एक सेट है, पर इस सेट को किस नाम से संबोधित करेंगे, इसमें वो एलिमेंट्स है जो सिर्फ ए में है, बी वाला निकाल दिया गया है, तो हम ये माइनस बी लिख सकते हैं, या ए सेट में से ए बी सेट को निकाल बाहर किया गया है, एक ही बात है। और तीसरा वो सबसे हैंडसम है, ए बी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। जरा चेक करें हम क्या लिखें, ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब यहां पे हम समझा रहे हैं ये सेट ए है, हम इसको लाल हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया है सेट ए को, ये सेट बी है, बी उसको छोड़ करके जो बाहर बाकी बचा वो है बी नॉट, यानी अभी हम बी नॉट सेट को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए, अभी पूछना होगा कोई शंका होगा तो, यानी इस चित्र में हम ए सेट को रिप्रेजेंट किए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से और बी नॉट सेट को रिप्रेजेंट किए हैं वर्टिकल लाइन से। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करें ए इंटरसेक्शन बी प्राइम, यानी हम उस इलाके को देखें जहां पे दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों मौजूद हो, तो खोजिए कौन सा है। ये वो इलाका दिख रहा है जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पाया जाता है, तो यही सेट है जिसको हम ए बी प्राइम नाम से संबोधित करेंगे, और उसको समझना मुश्किल नहीं है, यही सबसे हैंडसम तरीका है। इस सेट में कौन कौन एलिमेंट्स लिखा गया है उसको हम बोलते हैं शब्दों में ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, वही तो लिखा है। ए इंटरसेक्शन को अंग्रेजी में बोलते हैं एंड, अ यूनियन को अंग्रेजी में बोलते हैं और, ए यूनियन बी सेट जब आप बनाते हैं तो यहां एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए या बी में पाया जाता है, और इंटरसेक्शन सेट जब बनाते हैं तो आप एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए एंड बी दोनों में पाया जाता है। तो जब हम ए बी प्राइम लिखे हैं तो ए बी प्राइम को शब्दों में पढ़ के देखिए, आप समझ जाएंगे कि इस पार्टीशन का नाम सबसे हैंडसम नाम है ए बी प्राइम, यानी भविष्य में कभी हम ए बी प्राइम लिखेंगे भी तो आप समझिएगा कि ए माइनस ए बी लिखा गया है, ए में से उन एलिमेंट्स को निकाल दिया गया जो दोनों में कॉमन था, या समझिएगा कि ए माइनस बी लिखा हुआ है। यही सबसे सुंदर नाम है, क्योंकि इस नाम में पढ़िएगा ना ए एंड नॉट बी, हम इस सेट को याद कीजिए बोले थे कि नॉट बी नाम से संबोधित कर, और इंटरसेक्शन को एंड बोलेंगे, तो यहां लिखा है ए एंड बी, यहां लिखा है ए एंड नॉट बी। यहां इस खंधे का क्या नाम होगा, खुद से सोच के देखिए, बी एंड नॉट ए, जिसको हम ऐसे लिखें या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि इंटरसेक्शन बाइनरी ऑपरेटर कॉम्यूटेटिव है, यानी ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, एक ही बात लिख रहे हैं। अभी हम आपको ये सिखा रहे हैं कि अगर हम एक यूनिवर्सल सेट को पार्टीशंस में बांट रहे हैं, यहां पे चार पार्टीशन में बांटे हैं, अगर ये दोनों सेट डिसज्वाइंट होता ए और बी तो तीन पार्टीशन में बंटता, एक पार्टीशन दो पार्टीशन और तीसरा, लेकिन अगर ज्वाइंट है तो एक दो तीन चार खंडों में बट गया। अगर तीन तीन सेट डिफाइन किए होते सबसेट्स तो कई खंडा में बट जाता, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ खंडों में बट गया है।
और हर खंधे को हम एक नाम से संबोधित करेंगे, जैसे इस खंधा को बोलेंगे एबीसी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं जो तीनों में पाया जाता हो साइमल्टेनियसली। इस खंधा को क्या बोलेंगे हम, इस खंधा को ई वाला, ई वाला। अगर इसका नाम ए इसका बी है तो ये पूरा खंधा होता ए बी, ये पूरा खंधा होता ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन उसमें से आप उन एलिमेंट्स को घटा दिए हैं जो तीनों में पाया जाता है ए बी सी वाले एलिमेंट्स। तो इसके लिए हम लोग इतना खराब सा नाम नहीं रखेंगे, इस खंधा को बोलेंगे ए बी सी ब्राइन, यानी ए एंड बी एंड नॉट सी, यानी इस खंधा में सिर्फ उन्हीं लोगों का एलिमेंट्स का नाम रहेगा जो ए में पाया जाता है एंड जो बी में पाया जाता है एंड जो सी में नहीं पाया जाता है, वो इस तरह से। तो हर खंधे का एक नाम होगा। हम लोग को इतना सारा पार्टीशन से मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टीशन का संख्या तो और बढ़ा सकते हैं, चार सबसे, पांच सबसे। हम लोग को भविष्य में जब भी कोई सवाल बनाएंगे तो उसमें आपको हम एक यूनिवर्स में से सेट्स पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे। सेट को आप भाषा के रूप में सीख लीजिए, जो हम भविष्य के चैप्टर्स में कैलकुलस पढ़ते वक्त, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ते वक्त, प्रोबेबिलिटी पढ़ते वक्त हम इस भाषा का उपयोग करेंगे। यानी कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होगा सेट्स पे, कोई डिस्कस भी नहीं करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। आप केवल इतना सीख लीजिए अभी, जो हम उतना ही सिखा रहे हैं जितना कि आपको आगे चल के अन्य चैप्टर्स में आवश्यकता पड़ने वाला है। तो अभी आपको हम लोग को जो आवश्यकता पड़ेगा भविष्य में, वो मैक्सिमम दो सबसेट डिफाइन होगा एक यूनिवर्स का, तो मैक्सिमम चार खंडों में बढ़ सकता है मैक्सिमम। उन चारों खंडों को किस किस नाम से पुकारेंगे हम, वो नाम खाली देख लीजिए। इस खंधे को ए एंड बी, बी एंड नॉट ए, यहां पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए में पाया जाता है, ये ए एंड नॉट बी। ए बी ब्राइम बोलेंगे, बी ए ब्राइम, ए बी बोलेंगे। और ये खंधा कौन है, यहां पे कौन एलिमेंट्स हैं? यहां देखिए हम नाम लिखेंगे, शायद आप समझ जाएंगे। यहां पर वो एलिमेंट्स हैं जो न ए में पाया जाता है एंड जो न बी में पाया जाता है, यानी ए ब्राइम बी ब्राइम। इस बात को हम साबित करके दिखाएंगे आपको कि उस खंधे का नाम ए ब्राइम बी ब्राइम होगा, यानी ए ब्राइम इंटरसेक्शन बी ब्राइम इसी खंधे को कहेंगे। लेट मी प्रूव इट। हम यहां पे ए और बी बना दिए, आपको इंटरसेक्शन करने बोले हैं ना दो सेट का, तो पहले दोनों सेट का शेड कीजिए कलर से, जहां दोनों कलर एक साथ पाया जाए वही होगा ए ब्राइम बी ब्राइम। चलिए ए ब्राइम को शेड करते हैं। हम ए ब्राइम को सोचे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड करें, ए के बाहर का जो इलाका है वो ए ब्राइम हो गया, दिस इज ए ब्राइम, ये ए ब्राइम शेड कर दिए। और बी ब्राइम को हम सोचे हैं कि वर्टिकल लाइन से शेड करेंगे, तो बी के बाहर का जो इलाका है उसको बी छोड़ करके हम शेड कर रहे हैं। अब ए ब्राइम इंटरसेक्शन बी ब्राइम को शेड कीजिए, यानी जहां दोनों पाया जाता हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साथ में। तो देखिए ध्यान से, इस इलाके को छोड़ के यहां पे के बाहर का जो इलाका है वहां दोनों पाया जाता है। तो हम साबित किए कि ई जो इलाका है यही है ए ब्राइम बी ब्राइम। ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हम लिख दे रहे हैं, वन से लेकर के सिक्स तक का नेचुरल नंबर्स। एक सेट बी में कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, टू फोर सिक्स। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ए यूनियन बी सेट में, ए यूनियन बी सेट नहीं जानना चाहते, उस सेट में कितना एलिमेंट्स है गिनती करके जवाब दीजिए। ये जवाब अगर हम ए यूनियन बी सेट बनाते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सारा एलिमेंट जो यहां या यहां है वो सब यहां लिखा गया, रिपीट नहीं लिखना है।
अब हम गिनती कर लेंगे, आंसर लिखेंगे 6। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी पूछते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो जवाब क्या होगा? हम ए इंटरसेक्शन बी सेट बनाएंगे जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, लिख डालेंगे 2, 4, 6। आज जवाब दे दें। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नॉट पूछते हैं, ये नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि ये तभी पूछते हैं जब हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। क्योंकि एब्राइम सेट हम किसको बोले हैं, यूनिवर्स में से ए को हटाने पर जो सेट बनता है, अगर ये यूनिवर्स है और इसको ए बोले हैं तो इसको बोलेंगे ए नॉट सेट। तो एब्राइम सेट हम तभी बोलेंगे कि बताइए, जब हम कोई यूनिवर्स क्रिएट कर दिए होते, यहाँ एक यूनिवर्सल सेट बना दिए होते 1 से लेकर के 10 तक का नेचुरल नंबर, और इसी का कुछ कुछ सबसेट्स हम डिफाइन किए होते, एक सेट सी भी डिफाइन किए होते, कुछ 3, 6, 9, तब हम इस सवाल में पूछ सकते हैं आपसे कि ए ब्राइम सेट बताइए। तो ए ब्राइम सेट का मतलब ये होता है, यानी यूनिवर्सल सेट में से उन एलिमेंट्स को निकाल बाहर कीजिए जो ए में आप डिफाइन किए, तो जो बचता वो लिखते 7, 8, 9, 10। लेकिन अगर किसी सवाल में हम यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं किए हैं तो हम एब्राइम सेट नहीं पूछ सकते हैं, इट इज मीनिंगलेस। तो कल्पना कीजिए कि हम एक सेट ए डिफाइन किए हैं और एक सेट बी, और हम आपसे 2 सवाल पूछे हैं, ए यूनियन बी सेट में कितना एलिमेंट्स है गिनती करके बताइए। तो आप पहले क्रिएट किए सेट, अगेन ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट्स है, तो आप पहले क्रिएट किए सेट और फिर गिनती करके बता दिए कि 3 एलिमेंट है। अगर हम बोलते कि ए क्रॉस बी सेट में कितना एलिमेंट्स है, तो अब बिना क्रिएट किए ए क्रॉस बी सेट जोड़ा जोड़ा नंबर 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 2, 3, 4, 3, बिना क्रिएट किए आप बता सकते हैं कि इस सेट में कितना एलिमेंट्स है, इसमें 6, इसमें 3, तो 6 × 3 = 18 जोड़ा बनेगा, 18 जोड़ा बनेगा। अगर हम बोलते कि ए का पावर सेट में कितना एलिमेंट्स है, यानी इस सेट का सबसेट्स बनाएं, करली ब्रैकेट नल सेट कॉमा करली ब्रैकेट 1, करली ब्रैकेट 2, और उसका कलेक्शन करें तो उसमें कितना होगा, तो 2^6 जवाब दें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ बी पूछे तो 2^3 जवाब देंगे। हम लोग इसका प्रूफ अभी नहीं डिस्कस किया है, केवल आपको कहे हैं कि इसको रट लीजिए। यहां हम क्या क्या सीखे हैं कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स होगा, ये सेट बिना बनाए बता सकते हैं। ए के पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, बिना उसका सारा सबसेट्स लिखे भी बता सकते हैं कि कितना एलिमेंट्स होगा, 64 और इसमें 8। लेकिन ए यूनियन बी सेट में कितना एलिमेंट्स होगा ये नहीं बता सकते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी में, जब तक हम उनको एक्चुअली क्रिएट नहीं कर लेते हैं। कल्पना कीजिए कि सेट ए और सेट बी, देखिए सेट ए में 6 एलिमेंट्स है और सेट बी में 3, पर ए यूनियन बी सेट में कितना एलिमेंट्स है, तो 6+3 नहीं है, 9 एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि इसमें का सारा एलिमेंट आप लिखे और फिर 2, 4, 6 इसका भी सारा लिख दिए, तो ये 3 एलिमेंट दो बार लिखा गया, दो बार नहीं लिखना है सेम एलिमेंट को। तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स था, अगर कॉमन नहीं होता तो, जैसे अगर हम सेट ए ऐसा डिफाइन करते और सेट बी हम ऐसा डिफाइन करते 9, 10, 11, अब हम पूछते कि ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट्स है, अब तो आप तुरंत गिनती करते 6+3 और 9 आंसर दे देते इस केस में, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी। हम लोग जो यहां बहुत सुंदर बात सीखे हैं, क्या सीखे हैं, हम सीखे हैं कि ए यूनियन बी सेट में
अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाए तो अगर दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हो, यानी अगर दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो, यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी एक नल सेट हो, एक ही बात को हम तीन तरीका से बोले, इफ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स, विच मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन करने पे नल सेट मिलता है। अगर ऐसा हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी सेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। हम लोग कुछ फॉर्मूलाज बना रहे हैं, ए क्रॉस बी सेट में कहे कितना एलिमेंट्स होगा, ये फॉर्मूला बन चुका है कि वो किसी भी स्थिति में ये पूछिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए गुने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी करके बता देंगे। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि ए और बी को डिसजॉइंट होना चाहिए, या ए में गिनती कर लेंगे कैठो है गुना कर लेंगे। पावर सेट ऑफ एनी सेट में कैठो एलिमेंट्स होगा तो हम तुरंत टू टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये सब फॉर्मूला के लिए कोई कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है कि अगर ऐसा होगा तभी आप ऐसा बोल पाएंगे, लेकिन अभी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम दोनों का यूनियन करने पर जो सेट बनेगा उस सेट में कितना एलिमेंट्स है पूछेंगे तो सीधे जोड़ देंगे आप इतना प्लस इतना, नहीं, वो सिर्फ तभी ये जवाब होगा जब ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तब ये बात आप लिख सकते हैं, अन्यथा ये बात नहीं लिख सकते। और अगर ए और बी डिसजॉइंट नहीं हुआ तो आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी करने पर एक नल सेट नहीं हुआ तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी विल नॉट बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, कुछ कम होगा, एक्चुअली एन ए प्लस एन बी से कुछ कम होगा, क्योंकि अगर हम कुछ कॉमन एलिमेंट्स लिख देते हैं 5, 6, 7, 8 एग्जाम्पल ले रहे हैं, या तो अब हम इन दोनों सेट का यूनियन सेट कहें कि बनाइए और गिनती करके बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें 6 है इसमें 4, आंसर 6 प्लस 4 10 से कम ही आएगा, 10 तो नहीं होगा इस केस में, कम क्यों आएगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स को आप दोबारे लिख दिए हैं, दोबारे गिनती हो गया, जैसे 5 और 6 अगर हम ए यूनियन बी सेट इस केस में, हम इस केस में अगर हम ए यूनियन बी सेट बनाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए का सारा एलिमेंट्स लिख दें आप, बी के भी सारे एलिमेंट्स को लिख दें 5, 6, 7 तो आप ये संख्या दो बार लिखा गया है, जो कॉमन एलिमेंट्स था वो दो बार लिखा गया, तो वैसे स्थिति में कैसे हम बता सकते हैं ए यूनियन बी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो इक्वल टू एन ए प्लस एन बी में से घटा दीजिए, कितना घटाएं, ए इंटरसेक्शन बी में मैंने जितना एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है वो दो बार गिना गया है उतना संख्या हटा दीजिए। जैसे इस सवाल में यहाँ 6 एलिमेंट है यहाँ 4, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी करने पर देर आर 2 एलिमेंट्स इन कॉमन, तो इन दोनों का ए यूनियन बी सेट बनाइएगा तो कुल कितना एलिमेंट्स उसमें पाइएगा, 6 प्लस 4 माइनस 2 यानी 8 एलिमेंट्स उसमें हम पाएंगे। सो वी हैव 2 थ्योरम्स, अगर डिसज्वाइंट है तो ये बात सत्य है, और अगर डिसज्वाइंट नहीं है
तो ये बात सत्य नहीं है, तब ये बात सत्य है। हम इस बात को एक बार फिर से प्रूफ कर रहे हैं, साबित करने जा रहे हैं, उससे बड़ा मदद मिलेगा समझने में। ये जो थ्योरम है ये केवल दो सेट के लिए ट्रू नहीं है, अनेक सेट के लिए भी ट्रू है। यानी अगर हम एक सेट ए बनाए हैं, एक दो तीन, एक सेट बी बनाए हैं, पाँच सात नौ, एक सेट सी बनाए हैं, 101, 102, 103, 104, 105। अब ये ए बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी भी नल है, ए इंटरसेक्शन सी भी नल है, बी इंटरसेक्शन सी भी नल है। यानी कि अगर हम किसी सभी रियल नंबर्स का यूनिवर्स में से हम अगर ए सेट, बी सेट और सी सेट घेरा बनाएं, ए में सिर्फ तीन ही एल डॉट है, बी में तीन ही डॉट है, सी में, लेकिन तीनों एक दूसरे से डिसज्वाइंट है, तब ऐसी स्थिति में हम कहें कि ए यूनियन बी यूनियन सी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। तो अगर तीनों एक दूसरे से डिसज्वाइंट है तो यही थ्योरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख सकते हैं। यानी ये थ्योरम सिर्फ दो के लिए नहीं सत्य है, अनगिनत सेट्स के लिए भी सत्य है। इफ ए वन ए टू डॉट 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 ए थ्री ए एन सेट्स है एंड दे आर ऑल डिसज्वाइंट, सब एक दूसरे से अलग अलग है, किसी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है अगर, तो उन सब का यूनियन करने पर जो सेट होगा उसमें कितना एलिमेंट होगा ये पूछें, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट एड देयर इंडिविजुअल एलिमेंट्स। परेशानी तब होता है जब डिसज्वाइंट नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में अब क्या फॉर्मूला होगा? ये तो दो सेट के लिए फॉर्मूला है, तीन सेट के लिए क्या फॉर्मूला होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी सेट, ये घेरा में कुल कितना एलिमेंट्स होगा, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे सिलेबस में है, हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे जितना कि सिलेबस में है। एनसीईआरटी खोलिएगा तो आपको इसका भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना ही पे रुकता तो है नहीं। अब ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी हो तब उसमें, तो ये अनंत के लिए फॉर्मूला भी है जो हम लोग डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में रिक्वायर्ड नहीं है। यही हमारा रिक्वायरमेंट है कि अगर दो सेट लिखा हो ए और बी, उनके यूनियन सेट में कितना एलिमेंट्स हो, अगर ये गिनती पूछा जाए तो वी हैव अ थ्योरम कि अगर अलग अलग पता हो कि ए में कितना एलिमेंट्स है, बी में कितना एलिमेंट्स है और उन दोनों में कॉमन कितना है, तो हम उनके यूनियन सेट में कितना एलिमेंट्स होगा बता देंगे। इसको हम प्रूफ कर रहे हैं एक बार और। आप अगर वेन डायग्राम को देखिए तो ये सेट है ए, ये वाला सेट को तब हम कहेंगे ए माइनस ए बी सेट, ये सेट को कहेंगे ए बी सेट, और ये सेट मतलब यहां से यहां वाला जो पार्टीशन है उसको बी में से ए बी हटा दीजिए। अब ये सेट और ये सेट, ये तीनों डिसज्वाइंट है, यानी इस सेट में कोई भी एलिमेंट इस सेट और इस सेट में कॉमन नहीं है। इस सेट का नाम है ए बी, इस सेट का नाम है ए माइनस, और ये तीनों डिसज्वाइंट है, यानी ये है पूरा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो इलाका था उस इलाके को हम तीन डिसज्वाइंट सेट्स के रूप में एक्सप्रेस कर दिए। तो ए यूनियन बी सेट में यानी इस खंडा में कुल कितना एलिमेंट्स है, तो अगर हम यहां वाला गिनती कर लें इसमें, यहां पे कितना है वो गिनती कर लें, यहां कितना है, तीनों को जोड़ लें। पहला थ्योरम के अनुसार अगर तीन डिसज्वाइंट सेट्स, इन तीनों का यूनियन कीजिएगा तो ए यूनियन बी बन जाएगा। तो ए यूनियन बी सेट को हम तीन खंडों में बांटे हैं, डिसज्वाइंट खंडों में।
तो ए यूनियन बी सेट में कितना एलिमेंट्स है, वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट विच इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस, यहां इस पूरे सेट में जितना डॉट्स है माइनस इसमें जितना डॉट्स है, यह है इस खंडा में संख्या प्लस, अब इस खंडा में संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पार्टीशन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यहां पे जोड़ना है वो है बी में एलिमेंट्स माइनस इतना। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये संख्या और ये संख्या में कोई कॉमन नहीं है। अब इन तीनों को ऐड कीजिएगा एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए बी प्लस एन ए बी और एक माइनस एन ए बी, तो दो बार कट गया, अब बचा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए बी जो वहां हम लिखे हैं। ये प्रूफ है, लेकिन प्रूफ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप फील कर लीजिए कि ए यूनियन बी में कुल कितना डॉट्स है। ये गिनती करने के लिए हम पहले ए में सारा डॉट गिन लिए, बी का सारा डॉट गिन लिए, लेकिन ई वाला डॉट दो बार गिना गया तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये समझना ज्यादा आवश्यक है जो अभी हम आपको शब्दों में समझाए। ये प्रूफ आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है, लेकिन ये जो समझ है ना वो जिंदगी भर आपके काम देगा। इतना ही चीज हम लोग को सेट्स में जानना आवश्यक है।